राम राम जी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम ममता देवी है। मेरे चैनल का नाम ममता देव शर्मा है। इस चैनल में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वीडियो डालते हैं। मैं कैमरे के सामने कभी नहीं आई, पहली बार आई हूँ। इसका भी कुछ कारण है, बताऊंगी किसी दिन। आप सभी के सहयोग से मेरा चैनल बहुत अच्छा चला हुआ है। सब्सक्राइब भी बहुत बढ़े हुए हैं। थोड़ा मोनेटाइज के लिए समय लगेगा। इसके लिए भी आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप हमारी वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर सभी को स्वस्थ और खुश रखें और हमेशा खुश रहें सभी। अब मैं उनको चाय देने जा रही हूँ। आप भी आइएगा चाय पीने। कड़क चाय है और इनको बहुत पसंद है चाय। और चाय को देख के ये हल्की सी स्माइल भी दे देंगे। कृपया आप सभी भी अपने आसपास सफाई रखिएगा। आजकल डेंगू बुखार चले हुए हैं। जो डेंगू मच्छर होते हैं वो साफ पानी में पनपते हैं। और क्या नाम की, इस बार बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है। चाहे कितना ही घास निकालें, सारा घास दोबारा निकल आता है। हम भी सफाई कर रहे हैं, आप सभी भी। जहाँ भी कोई खड़ा पानी दिखे आप सभी को, कृपया उसमें या तो मिट्टी डाल दें या पानी रुका हुआ कहीं तो उसे फेंक दीजिएगा। अपना बचाव खुद रखिएगा। मेरे पास ये लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे मैंने बेल लगाई हुई थी सब्जी की। अब वो बेल सूख चुकी है, इसलिए हम एक लकड़ी को इकट्ठा कर रहे हैं और एक जगह रख देंगे। अब मेरी सब्जी तैयार हो गई है। हाउसवाइफ की कितनी जिम्मेदारी होती है, आज मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए हमारे साथ। थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। अब मेरी चपाती भी तैयार हो गई है। रोटी मेरी बहुत अच्छी तरह फूल चुकी है। और इनके लिए नाश्ता भी तैयार है। अब मैं देने जा रही हूँ नाश्ता इनको। ये थोड़ा लेट हो गई है ड्यूटी के लिए। अब इनका टिफ़िन भी तैयार हो गया है। अब मैं पैक कर देती हूँ। जा रहे हैं ये ड्यूटी। बाहर बहुत धूप है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। सवा नौ हो चुके हैं, फिर भी बहुत धूप है यहाँ पे। अब मैं किचन की सफाई करती हूँ। बर्तन साफ करने को थे, वो मैंने सारे सफाई कर दी है अब। और किचन की सेटिंग भी हो गई है अब। अब मैं रूम की सफाई करूँगी। पहले कपड़ा मारूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। फिर सूखा कपड़ा मारूँगी पहले, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। मेरे पास ये खजूर का झाड़ू है, ये बहुत अच्छा आता है। मेरी सासू माँ ने दिया है, इससे बहुत अच्छी तरह सफाई होती है। प्लास्टिक का भी है पर वो अच्छी सफाई नहीं करता है। अब मेरा नाश्ता तैयार हो गया, मैं भी नाश्ता करूँगी, आप भी आइएगा। उसके बाद मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, अब मैं सुखाने ले जाऊँगी छत पे। मेरे कपड़े सूख चुके हैं। और ये है हमारा सीमन प्लांट, पास में ही है मेरे।
बहुत डस्ट देता है, पर आजकल ये बंद है इसलिए साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीमेंट प्लांट वाले अपना सोलर प्लांट लगा रहे हैं और बड़ी जोर शोर से काम चला हुआ है, इसलिए आपसे अब अनुमति चाहती हूँ। राम राम जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।